करण, जहाँ तक हम आपकी फिल्मों की बात करें, बड़े बड़े लोकेशंस होते हैं, बड़े आप बड़े वो कहाँ पहले सॉरी फैमिली ड्रामा होती है जी. ये फिल्म ने ऐसा क्या आपको कन्विंस किया कि आप इसे? देखिए, कन्विंस करने की जरूरत, नाम सुन के मैं कन्विंस हो गया. इनका काम मैं बहुत देख चुका हूँ, बहुत सराह चुका हूँ और बेहद मोहब्बत है मुझे इनके काम के साथ. तो जब मैंने इनकी जो फिल्म देखी थी ईगा, तो मैं पूरा पागल हो गया, क्योंकि मक्खी पे पूरी पिक्चर बनाना, यहाँ बड़े बड़े सितारों के साथ हम कभी कभी गलत पिक्चर बना लेते हैं, एक मक्खी के ऊपर एक पूरी पिक्चर बनाना और कन्विंसिंगली बताना, वहाँ इमोशंस डालना और वो सब एक कहानी दौर बताना, ये काम सिर्फ एक जीनियस कर सकता है. तो जब राणा का फोन मुझे आया था, उन्होंने कहा कि ये उनकी विजन है, मैंने फिर से सुन चुका था कि ये ऐसी फिल्म बन रही थी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर बन रही है. बड़ी स्केल की बात नहीं कर रहा, क्यों, हम सब बहुत पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उन पैसों को सही ढंग से खर्च करना और उस विजन को इस बदौर इस स्केल पे दिखाना और जहाँ एक इमोशनल ग्राफ भी हो, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, शायद बनी ही नहीं हिंदुस्तान में. मैंने ये विजन, मैं ज़्यादा कहूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन ऐसी विजन मैंने मुगले आजम में देखी है, जिसमें एक इमोशनल है, कनेक्ट है और एक स्केल और ऑप्यूलेंस है. उसके बाद मैंने शायद ही मुझे ऐसी मटीरियल मैंने देखी हो जिसने मुझे पर्सनली इतना इमोशनली चार्ज किया है. तो आई वॉज सो, जैसे कि द फेमस लाइन इन हॉलीवुड सेज ही हैड मी एंड हेलो दिस टाइम राणा हैड मी एंड राजमौली. जैसे राजमौली ऐसे आई एम ऑन, पुट माई नेम एनी वे यू वॉन्ट ऑन दिस फिल्म. मैं कहीं भी, मैं लास्ट क्रेडिट पे भी नाम डाल देते, मैं बहुत खुश हो जाता. देखो क्या होता है कि किसी ने इतनी मेहनत की और हम चढ़ जाए क्रेडिट खाने, हम बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में. I didn't realize when we signed, when I signed in for the movie, and I remember the first day when we went on set and stood there after listening to the script.